हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है आलोक पांडे और केमिस्ट्री मेंटर फ्रॉम मैजिक ऑफ मॉलिक्यूल्स मैं लेके आया हूं आज बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर। आज की लाइव क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11 चैप्टर 12 का ये जो टॉपिक है इसमें हम आज सारी रीजनिंग पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं आइसोमेरिज्म क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, रेजोनेंस क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, और इसी के साथ साथ हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इवन एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ को भी डिस्कस करने वाले हैं। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11 चैप्टर 12। यहां पर अभी तक हमने सिर्फ एक ही पोर्शन डिस्कस किया है, नॉमन क्लेचर। दूसरा पोर्शन यहां पर होता है आइसोमेरिज्म और तीसरा टॉपिक होता है ऑर्गेनिक रीजनिंग एंड कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट्स में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन डिसप्लेसमेंट इफेक्ट के बारे में, लेकिन फिलहाल हमारी क्लास की शुरुआत होती है इस टॉपिक से क्योंकि ये हमने कवर अप कर लिया है। तो शुरू करते हैं आइसोमेरिज्म। ध्यान से सुनना बेटा, टॉपिक का नाम है आइसोमेरिज्म। तो हम बोलेंगे इट इज द फिनोमेना इन विच मॉलिक्यूल्स हैव सेम एम एफ मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्म्यूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल और स्टीरियो अरेंजमेंट्स। स्ट्रक्चरल का मतलब है 2D और स्टीरियो का मतलब क्या है, 3D। आइसोमेरिज्म को हम कैटेगराइज करेंगे दो पार्ट में। पहला है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में दो पार्ट आएंगे, ज्योमेट्रिकल और दूसरा ऑप्टिकल, जबकि स्ट्रक्चरल में आएगा चेन, पोजीशन, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म और टॉटोमेरिज्म। तो इसको आप नोट करिए, फिर हम एक एक करके यहां से शुरुआत करेंगे। बात करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, इसमें आप बोलोगे हियर मॉलिक्यूल्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट इन टू डायमेंशंस। अब इसमें पहला जो टाइप अभी मैंने आपको बोला था वो है चेन आइसोमेरिज्म। अब अगर आपसे पूछा जाए चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है तो आप बोलोगे सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट चेन लेंथ। फॉर एग्जाम्पल, हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिसाइड किया C5H12। तो अब हम इसमें स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं, CH3, CH2, 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 CH3।
इसका नाम है एन पेंटीन। एन मतलब नॉर्मल, कोई भी ब्रांच नहीं है। वर्सेस CH3, CH, CH3, CH2, CH3। अब इसका नाम अगर आप लिखते तो ये क्या आता, 2-methyl butane। और इस वक्त इसमें फॉर्मूला अगर कार्बन गिनोगे तो 5 और हाइड्रोजन कितने हैं, 12। इसमें भी कार्बन 5 और हाइड्रोजन कितने हैं, 12। लेकिन इसमें चेन 5 की और इसमें चेन कितने की है, 4 की। वर्सेस CH3, 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 CH3। देखो आप कार्बन गिनो 5 है, हाइड्रोजन 3, 6, 9, 12। तो इसका नाम है 2,2-dimethylpropane। तो आप समझ सकते हो कि इसमें आप क्या नोटिस कर रहे हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन चेन लेंथ क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो ये तीनों आपस में कौन से आइसोमर है, चेन आइसोमर। तो इस तरह से अभी हमने पढ़ा चेन आइसोमर के बारे में। तो बच्चों आगे बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, राइट ऑल दी चेन आइसोमर्स ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग फॉर्मूला C6H14। चलो ट्राई करो इसे। इसमें हमें करना क्या होता है, सबसे पहले हम नेटिव चेन बनाएंगे C6H14। ऑब्वियसली एन हेक्सेन का फॉर्मूला है, तो अगर मैं इसका आंसर लिखूं तो C6H14 पर सबसे पहले मैं CH3, CH2, CH2, मतलब तीन कार्बन, फिर CH2, CH2, CH3, तीन कार्बन, क्या नाम लिखूंगा इसका, एन हेक्सेन। अब इसी के वर्सेस में हम यहां पे CH3, CH, CH3 तीन हो गए, फिर 1, 2, 3 कार्बन कर देंगे, नाम लिखेंगे तो 2-methyl क्या हो जाएगा, पेंटेन। बहुत इजी है। अब हम आगे क्या कर सकते हैं, तो आगे इसी के वर्सेस में मैं यहां पे 2-methyl लगा दूंगा ब्रांच में, 1, 2, 3, 4 हो गए, बाकी 2 लगा दिए। क्या हम और कोई ऑल्टरेशन कर सकते हैं, अब अगर हम इस मिथाइल को यहां लगाएं या इस मिथाइल को यहां लगाएं तो वो लग ही नहीं सकता। चलो एक करके ट्राई करते हैं, CH3, 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 CH, CH3, हो ही नहीं सकता, कोई चांस ही नहीं है। तो आप नोटिस करिए कि यहां जो बनेंगे, यहां पे भी सिर्फ और सिर्फ कितने आइसोमर बनेंगे, 3। इसे फटाफट नोट करिए। तो अब हम चलते हैं पोजीशन आइसोमर पे। अब हम बात करेंगे दूसरे आइसोमर की जिसका नाम है पोजीशन आइसोमेरिज्म या आइसोमर्स। इसमें आप क्या बोलोगे, दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम चेन लेंथ, बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिया C5H11Br का। अब मैं इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहता हूं, तो ये बनेगा CH3, CH2, 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 CH2Br। इसको आप बोलोगे 1-bromo, 5 की चेन है तो पेंट और सिंगल बॉन्ड है तो एन। इसी के वर्सेस में CH3, CH, CH3, CH2, सॉरी चेन लेंथ हमें नहीं बदलनी होती, तो हमें क्या करना चाहिए था, CH3, CH, Br, CH2, CH2, CH3। अब मैंने ब्रोमीन कहाँ लगाया, 2 पे, तो अब इसकी पोजीशन क्या हो गई, 2-bromo-pentane। अब इसी के वर्सेस में जो हम थर्ड लेंगे उसमें क्या हो जाएगा, CH3, CH2, CH, Br, CH2, CH3। तो इसका अब नाम क्या हो गया, अगर नंबरिंग करते तो कुछ ऐसे आता, इसमें की तो क्या आया, ऐसे आया। तो यहां हो गया इसका नाम 3-bromo
और पांच कार्बन की चेन है तो हमने इसे क्या कर दिया, पेंटेन। क्लियर है, नोट करिए। अभी एक दो एग्जांपल और करते हैं, इवन मैं यहां मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख भी देता हूं, आप करिए C5H12O, जिसका नेटिव मॉलिक्यूल सबसे पहला बनेगा पेंटेन 1-ol, करो ट्राई। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन पहले एक बार डिस्कस कर लें, C5H12O, अगर बेटा C5H12O है तो इसमें हम पहला अल्कोहल बनाएंगे CH3CH2CH2CH2CH2OH, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन 1-ol। इसी के वर्सेस में हम OH की पोजीशन अब चेंज कर देंगे CH3CH2CH2CHOHCH3, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेन 2-ol। और इसी के वर्सेस में अगर हम इसको और आके ले आए यहां पे कर दें तो अब ये क्या हो जाएगा, यू कैन गेस, पेंटेन 3-ol। अभी हमने क्या शुरू किया है, न्यू टाइप ऑफ आइसोमर जिसे कहते हैं फंक्शनल आइसोमर। फंक्शनल आइसोमर का कॉन्सेप्ट जो है हम पीछे से कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे चेन आइसोमर की। चेन आइसोमर में क्या हो रहा था, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है लेकिन हम एल्काइल को ब्रांचिंग में ला करके चेन लेंथ को क्या कर रहे थे, कम कर रहे थे। दूसरा जो आइसोमर आया उसका नाम क्या है, पोजीशन आइसोमर। उसमें हमने क्या किया, चेन लेंथ को सेम रखा लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन को बदल दिया। कभी हमने कर दिया 1-bromo, कभी उसी में 2-bromo, कभी 3-bromo, ऐसे ol में कभी 2-ol, कभी 3-ol, ऐसे कर रहे थे। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम फंक्शनल ग्रुप में ही चेंजेस ले आ रहे हैं। क्या लिखा हुआ है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। लाइक हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C3H8O, तो हमने क्या बना लिया, प्रोपेन 1-ol। अब इस CH2 को उठा के जब यहां ले गए तो CH2+H ने क्या बना दिया, CH3। और ये नया नॉमेनक्लेचर है ईथर का। अगर आपको ईथर का नॉमेनक्लेचर याद हो तो उसमें हम क्या करते थे, कम कार्बन को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते थे, तो ऑक्सीजन प्लस मिथाइल क्या बनाएगा, मिथॉक्सी, और दो कार्बन है तो क्या होगा, इथेन। तो ये क्या हुआ, ईथर, और ये क्या हुआ, एल्कोहल। तो इस तरह से हमने फंक्शनल ग्रुप ही बदल दिया। आगे चल के हम और चीजें डिस्कस करेंगे, इसी के एग्जाम्पल जल्दी से आप इसे नोट करें। जैसे हम एल्डिहाइड को कीटोन बना सकते हैं और एसिड को एस्टर। ये तीन बड़े ही फेमस एग्जाम्पल हैं जो बहुत पूछे जाते हैं, जल्दी नोट करिए। चलिए आगे देखते हैं हम इसके और एग्जाम्पल्स को। सपोज एक और एग्जाम्पल हम देखने जा रहे हैं फंक्शनल आइसोमर का, जिसमें बेटा मान लीजिए हमने लिखा CH3CH2C OH, इसका नॉमनक्लेचर करते तो 1-2-3, तो इसका नाम क्या होता, प्रोपेन 1-ol। अब इसी के वर्सेस में ही हम इसे कर देते CH3COCH3, तो इसका नाम होता प्रोपेन 2-ol। किया क्या है, अगर आप क्रॉस चेक करें ध्यान से देखें तो इस CH2 को उठा के मैंने यहां पे मूव ऑन करा दिया तो CH2+H क्या हो गया, CH3। अब ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये क्या होता है, एल्डिहाइड, और इसी के वर्सेस में ये वाला जो हमने बनाया ये क्या होता है, कीटोन। एक और एग्जांपल देखते हैं। तो अच्छा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमने नहीं लिखा, अगर आप नोटिस करें कार्बन 3 है, हाइड्रोजन कितने हैं, 6, C3H6O। यहां भी देखिए कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 6 और O, तो इसका मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हुआ, सेम। ऐसे एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि हमने बोला CH3CH2CH2COOH, तो इसका नाम है ब्यूटेन 1-oic एसिड। तो ये कौन सा क्या हुआ, कौन सा फंक्शन ग्रुप हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आप इसका जरा फॉर्मूला चेक करिए तो कार्बन 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 हो गए, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया, C4, हाइड्रोजन 3, 2, 5, 2, 7, 1, 8, और ऑक्सीजन 2 तो O2। अब इसी के वर्सेस में हम इसे CH3CH2COOCH3 कर देते हैं, तो आपको पता होगा ये एक एस्टर का फॉर्मेट है जिसमें ऑक्सीजन के राइट वाला आइल और लेफ्ट में तीनों कार्बन से O8 बनता था।
तो अगर हम यहां देखें तो यहां राइट में एक कार्बन है और लेफ्ट में कितने हैं बेटा, तीन। तो अगर आप इसका नॉमनक्लेचर करोगे तो आप क्या लिखोगे, मिथाइल, और इधर तीन कार्बन है तो आप क्या लिखोगे, प्रोपा नोएट, जो किस में कन्वर्ट हो गया, एस्टर में। और बेसिकली हमने किया क्या है, ये वाला CH2 उठा के यहां ले गए हैं, राइट। नोट करिए, अब हम चलेंगे अगले आइसोमर पे जिसे कहते हैं रिंग चेन आइसोमर। चलिए अब हम बात करेंगे अगले आइसोमर की, फोर्थ नंबर आइसोमर, जिसको हम बोलेंगे रिंग चेन आइसोमेरिज्म या आइसोमर। इसमें हम क्या बोलेंगे, दे हैव सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला बट वन विल बी एलिफेटिक, वन विल बी एलिफेटिक व्हाइल अदर विल बी साइक्लिक। सर इसका क्या मतलब है, देखिए बेटा सामने एक बारी, सपोज हमने मॉलिकुलर फॉर्मूला लिया C3H6, तो हम इसमें CH3CH डबल बॉन्ड CH2 क्या लिख सकते हैं, प्रोपीन। ये एलिफेटिक है, इसी के वर्सेस में मैंने यहां ट्रायंगल बना दिया जिसका नाम है साइक्लो प्रोपेन। क्या है इसका नाम, साइक्लो प्रोपेन। वैसे ही मान लीजिए मॉलिकुलर फॉर्मूला है C4H8, तो हमने इसको CH3CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 बोल दिया, ब्यूट वन ईन। इसी के वर्सेस में इसको मैंने ऐसे बॉक्स बना दिया और इसका नाम क्या है, साइक्लो ब्यूटेन। जैसे आपको पता ही है इसके हर एक कॉर्बन पे कार्बन जो है कॉर्नर पे वो CH2 होगा, तो काउंट कर लीजिए C4H8। इसे कहते हैं रिंग चेन आइसोमर, ये एनसीईआरटी में हाईलाइटेड नहीं है बट आगे काम आएगा आपके, नोट कर लीजिए। और अब अगला टाइप जो आ रहा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, फिफ्थ, जिसे हम कहते हैं मेटामर्स या मेटामेरिज्म। इसमें हम क्या बोलेंगे, दे हैव सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट रेशियो ऑफ कार्बन एटम्स ऑन ईदर साइड ऑफ डाइवेलेंट और पॉलीवेलेंट। हम एक काम करते हैं, हम डाई के साथ ही डील करते हैं इस बार, डाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। जैसे कि हम यहां ऑक्सीजन के साथ डील कर सकते हैं, सल्फर के साथ डील कर सकते हैं और नाइट्रोजन। ट्राइवेलेंट है ये काम आता है, लेकिन मैं ऊपर वाले दो आपको जरूर बताता हूं। जैसे कि मान लीजिए मैंने मॉलिकुलर फॉर्मूला लिखा, पहले एग्जांपल देखिए, CH3CH2O CH2CH3, इसका नाम अगर आप लिखेंगे तो ये बनेगा इथॉक्सी इथेन, और ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बच्चों, तो ये ईथर है। अब इसी के वर्सेस में मैं रेशियो चेंज करके इस CH2 को इधर ले आऊं और ये CH3CH2CH2OCH3 हो जाए, अब इसका नाम होगा मिथॉक्सी प्रोपेन, लेकिन ये अभी भी किस काउंटिंग में आएगा, ईथर में। दैट मींस फंक्शनल ग्रुप नहीं बदला तो ये फंक्शन आइसोमर नहीं है, चेन में कोई फर्क नहीं आया तो ये चेन आइसोमर नहीं है, पोजीशन बिल्कुल नहीं बदली क्योंकि पोजीशन तो ब्रांचिंग से बदलती है, वो भी नहीं है। अब इसमें क्या हुआ, रेशियो वेरी कर रहा है। पहले आप नोटिस करिए कि यहां रेशियो कितना है, दो कार्बन और दो कार्बन, तो रेशियो क्या हुआ, 2:2, और यहां देखिए क्या है, तो 3:1। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि बेसिकली मेटामर में हम एक डाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप देखते हैं। अभी मैं और भी एग्जांपल कराऊंगा जिसमें रेशियोज में वेरिएशन आ जाता है, फटाफट इसे नोट करिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चे अब हम आगे इस वाले स्पेस को यूज कर लेते हैं, ये तो हमने कर ही लिया है कवर। तो
तो अब हम देखेंगे एक और एग्जाम्पल. सपोज मैंने थायो ईथर ले लिया. मॉलिकुलर फॉर्मूला अभी हम लिखेंगे थायो ईथर. जैसे मैंने लिख दिया CH3CH2S CH2CH3, तो इसका नाम है इथाइल राइट वाला, फिर लेफ्ट वाला इथाइल इथाइल, और हम इसे क्या बोलते हैं बच्चों, थायो ईथर. फॉर्मूला देखें तो आप देख सकते हो C4H10S. अब इसी के वर्सेस में हम इसके रेशियो को चेंज कर दें CH3CH2CH2S CH3, तो इसका नाम है मिथाइल प्रोपाइल और फिर क्या आ गया ईथर. तो दोनों के दोनों, सॉरी थायो ईथर, थायो ईथर, तो दोनों के दोनों में जो बन रहा है वो बन तो थायो ईथर ही रहा है, लेकिन यहां पे रेशियो क्या है 2:2, लेकिन यहां पर रेशियो क्या है 3:1. बोलो चेंजेस है. चलिए अब ये नीचे वाला आपने कर लिया होगा. अब मैं आपको अमाइन की डिग्री के बेसिस पर बताता हूं समथिंग डिफरेंट. ट्राइवेलेंट है वो, जैसे मैं कह रहा था ट्राइवेलेंट नहीं बताना, चलो डिस्कस कर लेते हैं. जैसे मान लीजिए मैंने बोला CH3CH2CH2NH2, ठीक है, तो इसमें आप देखोगे नाइट्रोजन के एक साइड 3 कार्बन है. इसी के वर्सेस में मैं इसको CH3CH2NH CH3 कर दूं, और इसी के वर्सेस में मैं CH3N इधर भी CH3 और इधर भी CH3 कर दूं. तो आप देख रहे हो मैंने क्या किया, ब्रांचिंग में एक रेशियो बदल दिया. पहले इधर 3 था, इधर 0 था, फिर 2:1 हुआ, फिर 1:1:1 हुआ. कुल मिला के आप क्या नोटिस कर रहे हो कि चेंजेस किस में हो रहे हैं, अल्काइल की शिफ्टिंग में, रेशियोज में. तो ये भी आपका कौन सा हुआ, अगर फॉर्मूला देखें तो सब में मॉलिकुलर फॉर्मूला जो आप देखोगे वो C3 3:2:5:7:9H9N होगा. बोलो सही बात है. चलो फटाफट इसे नोट करो, फिर हम आगे करेंगे जल्दी से. आई होप मेरी वॉइस आपको क्लियर आ रही होगी. और हम लास्ट टाइप के स्ट्रक्चरल आइसोमर पे एंट्री मारने जा रहे हैं बच्चों, जो कि है हमारा सिक्स्थ टाइप, और इसका नाम है बहुत ही यूनिक सा टॉटोमेरिज्म. टॉटोमेरिज्म का मतलब बहुत ही यूनिक है. टॉटोमेरिज्म में क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं और हाइड्रोजन के साथ इंटरचेंज करते हैं. मतलब जैसे कि पहले मैं एग्जांपल से आपको समझाऊं, मैंने लिखा CH3 C डबल बॉन्ड OH, और इसी के वर्सेस में मैं क्या करने वाला हूं, थोड़ा सा और तरीके से बताते हैं आपको. इसको मैं लिख सकता हूं बेटा CH, ये H यहां शिफ्ट कर दो और इसका पाई इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट कर दो. मतलब मैं इसको अब लिखने वाला हूं CH2 डबल बॉन्ड COH. अच्छा, यहां पे पहले से OH था और यहां भी क्या आ गया OH. या ऐसा भी कर सकते हो कि यहां मैं एल्डिहाइड ले लूं तो ये H हो गया और यहां पे भी क्या हो गया H. तो हमने किया क्या, हमने अगर इसको नोटिस किया जाए तो अगर मैं इसको सिंपल वे में लिखूं तो ये क्या था CH3CO H, अब ये क्या हो गया CH2 C डबल बॉन्ड हो गया और यहां क्या हो गया CH और यहां क्या चला गया OH. मतलब ये एज इट इज ही है, या और भी क्लियर करना है तो यहां CH और यहां क्या हो गया OH. समझ में आ गया होगा. अब बेसिकली इसको आप क्या बोलते हो, एल्डिहाइड. और आप यहां क्या बोलोगे, इसमें डबल बॉन्ड और एल्कोहल है तो इसे कहते हैं इनॉल. इनॉल में इन क्या है, एल्कीन, और ओल क्या है, एल्कोहल. तो इसमें किसकी शफलिंग हुई, हाइड्रोजन के साथ साथ पाई इलेक्ट्रॉन की. और अगर मैं मॉलिकुलर फॉर्मूला देखूं तो दोनों में 2 कार्बन है तो C2, 1, 2, 3, 4 हाइड्रोजन है तो H4 और एक ऑक्सीजन है. तो हम बोलेंगे इट इज यूनिक टाइप ऑफ दी आइसोमेरिज्म विच डील्स विद इंटरचेंज ऑफ हाइड्रोजन एटम विद रेस्पेक्ट टू पाई बॉन्ड.
हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में किसकी मूवमेंट हुई? पाई बॉन्ड। इसके बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे ऑक्साइम का एसी बनता है, कीटो का इनॉल बनता है, बहुत सारे टाइप है इसमें। लेकिन जैसे अमाइड है, इमिडोल बन जाएगा, इमाइड का इमिडोल बन जाएगा। लेकिन हमें फिलहाल एक ही एग्जाम्पल से काम चलाना है, पेपर में वन मार्क में आएगा, डिफाइन टॉटोमेरिज्म एंड विद एन एग्जाम्पल। नोट करिए, पूरी एनर्जी लगा दो बेटा इस टॉपिक को समझने के लिए। अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, जिसका नाम है स्पेस, मतलब हम इसको किसी और नाम से दिखते हैं क्या, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब पॉइंट यह है, स्टीरियो का मतलब क्या होता है? घर में लोग स्टीरियो सिस्टम लेके आते हैं, गाड़ी में स्टीरियो लगाते हैं, तो कहते हैं जितना ज्यादा इस आवाज गूंजती है, जितनी ज्यादा इको प्रोड्यूस होती है, उतनी ज्यादा स्टीरियो सिस्टम को अच्छा माना जाता है। तो स्टीरियो बेसिकली वर्ड ही होता है थ्री डायमेंशनल वॉइस। अगर स्टीरियो वॉइस बोलो तो थ्री डायमेंशनल वॉइस, और स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोलो तो क्या होगा, थ्री डी आइसोमेरिज्म। तो हम बोलेंगे इट इज थ्री डायमेंशनल आइसोमेरिज्म विच डील्स विद सेम मॉलिक्युलर फॉर्मूला बट डिफरेंट पोजीशन इन स्पेस कॉज्ड ड्यू टू रोटेशन और ओरिएंटेशन। अब रोटेशन और ओरिएंटेशन के बेसिस पर इसको भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहले का नाम है बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में पहला टाइप है सिस एंड ट्रांस, दूसरा टाइप है ई एंड जेड। ये हम जेई नीट के लिए देखते हैं, तो फिलहाल एग्जाम के लिए ये मैंडेटरी नहीं है, हम सिर्फ ये वाला पढ़ेंगे। दूसरा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के दो टाइप होते हैं, पहला है इनेंशियोमर्स, दूसरा है डाया स्टीरियो आइसो मर्स। ठीक है, तो फटाफट इसे नोट करिए, फिर हम इसको एक एक करके फटाफट ज्योमेट्रिकल को पढ़ लेते हैं। बात करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या है बच्चों? जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि एक ऐसा आइसोमेरिज्म जिसमें मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट अलग होगी। तो हम बोलेंगे दे हैव सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट along double bonded carbon atoms. For example, हमने बोला butene. Normally butene कैसे बनेगा? CH3 CH double bond CH CH3. अब इसी structure को मैं कैसे लिख सकता हूं? CH CH3 double bond C HCS3। एक्चुअली यहां जो डबल बॉन्ड है इसको थोड़ा सा समझो। अब डबल बॉन्ड का बेटा मतलब है कि एक सिग्मा है और एक क्या है, पाई। पाई का मतलब क्या होता है कि ऑर्बिटल ऐसे पैरेलल ओवरलैपिंग करते हैं, तो इस वजह से हम ऐसे रोटेशन नहीं कर सकते। हम सिर्फ रोटेशन कैसे कर सकते हैं, ऐसे। जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले लू ये मार्कर की, तो इस मार्कर में ये जो बॉन्ड है ये सिग्मा है, तो सिग्मा में मैं रोटेशन कर सकता हूं ऐसे, हाँ या ना, और मैं ऐसे भी इसको रोटेट कर सकता हूं। लेकिन जब मैं पाई बॉन्ड की बात करूंगा, तो मान लीजिए एक और मार्कर है,
मैं इस पेन का ही यूज कर लेता हूं कि ये दो बॉन्ड्स बनी हुई हैं। अब ये क्या है, पाई बॉन्ड। तो इस वजह से मैं ऐसे ऐसे तो रोटेशन कर नहीं सकता, सिर्फ क्या कर सकता हूं इसके अलोंग। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि मैं इनको तो शफल कर सकता हूं लेकिन इधर शफल नहीं कर सकता। दो तरह का रोटेशन होता है, एक स्टेयरिंग टाइप और एक ऐसे वाला डमरू टाइप। तो यहां डमरू रोटेशन पॉसिबल है लेकिन स्टेयरिंग रोटेशन पॉसिबल नहीं है। इसी चीज को यहां पे अगर मैं दूसरा फॉर्म बनाऊं, इसको कहते क्या है, जब दोनों सेम साइड है तो इसे हम बोलेंगे सिस ब्यूट टू इन। और वहीं पे कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, एक सी एस थ्री इधर, मैंने इस वाले को रोटेट कराया, ऐसा कर दिया, तो ये जो है ये कैसे हो गए अपोजिट। तो इसका अब नाम क्या हो जाएगा, ट्रांस ब्यूट टू इन। तो सिस का मतलब क्या हुआ, सिमिलर ग्रुप ऑन सेम साइड, और ट्रांस का मतलब क्या हुआ, सिमिलर ग्रुप ऑन ऑपोजिट साइड। ठीक है जी, नोट करिए इसे। एक पड़ाव तो पार हो गया, पहला नॉमेनक्लेचर का बहुत पहले ही हो गया था, आज का पहला पड़ाव हमने पार कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें पढ़ना है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, जिसको कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक रीजनिंग कहा जाता है। बहुत ही माइनर से तरीके से हम इसको समझेंगे और सारी काम की चीजें जो वन मार्क टू मार्क या उससे रिलेटेड आएंगे हमें पढ़ना होगा। तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। आ रहा है आपके सामने द वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉन डिसप्लेसमेंट इफेक्ट। क्या नाम है इसका, इलेक्ट्रॉन डिसप्लेसमेंट इफेक्ट। देखो कैसा नाम है, इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है यहां पे, डिसप्लेसमेंट। तो हम बोलेंगे इट डील्स विद डिसप्लेसमेंट और एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स टू जनरेट इंटरमीडिएट्स एंड देयर डिफरेंट स्टेबल एंड अनस्टेबल फॉर्म्स। हम यहां पर बहुत सारे इंटरमीडिएट्स, उनकी स्टेबल और उनकी अनस्टेबल फॉर्म्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें हम जो इफेक्ट पढ़ेंगे टाइप्स में, वो पहला होगा जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे, हम पहले पढ़ेंगे बॉन्ड फ्यूजन के बारे में। सबसे बेस्ट रहेगा कि हम पहले आपको बॉन्ड फ्यूजन करके और उसमें इंटरमीडिएट के टाइप बताएं। दूसरा हम आपको कराएंगे इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। तीसरा हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बारे में। चौथा हम पढ़ेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में। और पांचवा हम पढ़ेंगे रेजोनेंस के बारे में। तो इसे नोट करिए, फिर एक एक करके हम बॉन्ड फ्यूजन से शुरू करते हैं। तो करते हैं क्या, सबसे पहले बॉन्ड फ्यूजन के बारे में चर्चा, डिस्कशन। तो बच्चों बॉन्ड फ्यूजन का क्या मतलब होता है, बॉन्ड फ्यूजन कहीं ना कहीं बताता है बॉन्ड के ब्रेकिंग को। जैसे कि पुराने टाइम में जो बल्ब होते थे, जैसे 100 वाट के बल्ब लोगों के घर में लगते थे, पहले एलईडीज का जमाना नहीं था, तो बल्ब जब खराब हो जाता तो कहते थे बल्ब फ्यूज हो गया, नया लगा दो। बल्ब में एक टंगस्टन फिलामेंट होता था, वो ब्रेक कर जाता था, तो उसके ब्रेक करने पे हम बोलते थे कि भाई बल्ब खराब हो गया, बल्ब फ्यूज हो गया, नया लगा दो। तो गलत मिस कॉन्सेप्ट था।
टोटली गलत बात थी वो, क्योंकि बल्ब की तार जब टूट रही है तो टूटने को फ्यूजन नहीं कहते, क्या कहते हैं? फिजन। तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं? बॉन्ड फिजन के बारे में। तो हम फिजन का मतलब ही होता है डिसोसिएशन, तो हम बोलेंगे इट डील्स विद डिसोसिएशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। अब बॉन्ड भी कई तरह की होती है, जिसमें दो मेजर कैटेगरी तो आती ही आती है, एक आयनिक बॉन्ड और एक कोवलेंट बॉन्ड। तो हम बोलेंगे डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ बॉन्ड और नेचर ऑफ एटम्स बॉन्डेड वी हैव टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड फिजन, जिसमें नंबर वन है होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। जैसा कि नाम बता रहा है, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन में जो एटम इन्वॉल्व होंगे, दोनों का नेचर क्या होगा? सेम। तो हम बोलेंगे इट डील्स विद इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग बॉन्ड फिजन टू जनरेट फ्री रेडिकल्स जनरली कोवलेंट बॉन्ड इज डिसोसिएटेड। थोड़ा सा देख लेते हैं क्या मतलब है। जैसे मैंने बोला CH3 बॉन्ड CH3, और इस बॉन्ड को तोड़ दिया तो एक CH3 पे इलेक्ट्रॉन आ गया और एक इस पे आ गया, तो हम इसे क्या बोलेंगे? क्या बने ये? मिथाइल फ्री रेडिकल्स। बॉन्ड टूटने के बाद जो बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? फ्री रेडिकल्स। नाम था मिथाइल फ्री रेडिकल। हुआ क्या होगा? बेसिकली एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड जब टूटी होगी तो एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया होगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए ब्रोमीन ब्रोमीन के बीच में है, ये बॉन्ड टूटती है ब्रोमीन ब्रोमीन के बीच में, तो ये हो जाएगा Br, और इस पे भी एक Br पे डॉट, तो इसे हम क्या बोलेंगे? ब्रोमाइड फ्री रेडिकल्स। और यहां पे बॉन्ड टूट जाएगी तो दो इलेक्ट्रॉन, एक इधर और एक क्या है? इधर। तो दोनों पे देखो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है, फटाफट इसे नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये था फ्री रेडिकल। क्या था बेटा ये? फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल में मेरा सजेशन है कि मैं यहां पे एक बात और बता दूं कि स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल्स कभी कभी पूछ लेता है, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल्स, तो वो होता है बेटा 3 डिग्री, 2 डिग्री और फिर किसका होता है? 1 डिग्री। थोड़ा सा मैं डायग्राम से बता देता हूं। कार्बन है, इसके तीनों साइड मैंने CH3 लगा दी और इसके ऊपर छोटा सा एक इलेक्ट्रॉन लगाया, तो ये आपका 3 डिग्री फ्री रेडिकल है। फिर CH3 मान लीजिए CH3 है, ये मेरा कौन सा डिग्री है? ये 3 डिग्री था, तो ये क्या हो गया? 2 डिग्री। और अगर मैं सिंपल CH3 CH2 CH2 पे एक लगा दूं तो ये क्या होगा? 1 डिग्री। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको समझ में आ रहा होगा कि जो रेडिकल आप देख रहे हो उसकी ब्रांचिंग, लाइक ये 3 कार्बन से जुड़ा है 3 डिग्री, ये डायरेक्टली 2 से जुड़ा है तो 2 डिग्री, ये डायरेक्टली 1 से जुड़ा है तो इसकी डिग्री क्या होगी? 1। तो जो भी कार्बन पे रेडिकल लगा है वो डायरेक्टली कितने कार्बनों से जुड़ा है वो उसकी डिग्री होती है, और इसमें ऑर्डर होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। हो सकता है ऑब्जेक्टिव बन के आए 4 ऑप्शन हो, कहेगा मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल बताओ, तो आप 3 डिग्री चेक करके टिक कर देना। आगे बात करते हैं बॉन्ड फिजन में। होमोलिटिक के बाद जो दूसरा टाइप आता है इसे कहते हैं हेट्रोलिटिक
बॉन्ड फिजन, हेट्रो नाम से पता चल रहा है, तो हम बोलेंगे इट डील्स विद अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन बेसिस ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिविटी डिफरेंस टू प्रोड्यूस कार्बोकेटायन एंड कार्बो एनायंस। तो हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन में हम क्या करने वाले हैं, जैसे मैंने CH3Cl की बात की, तो आपको पता है Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो CH3 क्या होगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। तो जब बॉन्ड ब्रेक होगी तो CH3 पे क्या चार्ज आएगा, प्लस। Cl पे क्या आएगा, माइनस। माइनस के साथ क्या आएगा, लोन पेयर। तो ये जो प्लस वाला है इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल, और जो बेटा माइनस वाला है उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल। और यहां पे जब बॉन्ड टूटेगी तो आप इसको देखें, बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन थे तो CH3 जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनर है तो वो इसको दे देगा, और क्लोरीन को तो अपना लेना ही था, या वो उसके इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो देने वाले पे चार्ज क्या आया, प्लस, और लेने वाले पे क्या आ गया, माइनस। नोट करिए, इलेक्ट्रोफाइल नाम से चल रहा है इलेक्ट्रॉन लविंग, मतलब नेगेटिव लविंग, और न्यूक्लियोफाइल मतलब पॉजिटिव लविंग। तो पॉजिटिव लविंग क्या होगा, नेगेटिव, और नेगेटिव लविंग क्या होगा, पॉजिटिव। सिंपल सा तरीका बताऊं, N फॉर नेगेटिव, N फॉर न्यूक्लोफाइल, N फॉर नेगेटिव, N फॉर न्यूक्लोफाइल, तो बाकी बचा हुआ इलेक्ट्रोफाइल। नोट करिए, तो फटाफट देखें अब हम क्या देखने वाले हैं, कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायंस, जो कि बेसिकली आपने अभी अभी पढ़ा था, केटायन मतलब क्या था, इलेक्ट्रोफाइल, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल। और कार्बोकेटायन क्या हुआ, ऐसे इलेक्ट्रोफाइल, ऐसी पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज जिनमें क्या प्रेजेंट हो, कार्बन। तो वो होता है 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री, जैसे कि CH3 कौन सा साइन आएगा, प्लस, 3 डिग्री। फिर CH3 CH CH3 प्लस, सेम चीज अभी आपने पढ़ी थी। फिर CH3 CH2 CH2 प्लस, तो ये क्या हो गया 3 डिग्री, ये क्या हो गया 2 डिग्री, और ये क्या हो गया 1 डिग्री। ऐसे ही स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बो एनायन, कार्बो एनायन क्या हो गया बेटा, न्यूक्लियोफाइल, वो क्या होता है 1 डिग्री 2 डिग्री, और फिर क्या आएगा 3 डिग्री। 1 डिग्री क्या है, CH3 CH2 CH2 माइनस, लोन पेयर। फिर CH3 CH CH3 माइनस, लोन पेयर, और CH3 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 माइनस, लोन पेयर। तो ऑर्डर रिवर्स हो गया, ऑर्डर रिवर्स क्यों हुआ, एक्चुअली यहां माइनस आई इफेक्ट लगता है और वहां प्लस आई। अब ये क्या होता है इसको जानने के लिए, तो अब हम बात कर रहे थे कि सर क्या है ये, अभी हमने देखा दो तरह की बॉन्ड फ्यूजन है, एक होमोलिटिक जिसमें फ्री रेडिकल, और एक हेट्रोलिटिक जिसमें कार्बोकेटायन और कार्बोएनायन या इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल बने। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट के, जिसमें हमारा शुरू होता है वेरी इंपॉर्टेंट इंडक्टिव इफेक्ट। This is कैसा इफेक्ट है, ये परमानेंट इफेक्ट, विच डील्स विद डीलोकलाइजेशन ऑफ
स्मॉल नेगेटिव और स्मॉल पॉजिटिव चार्ज ऑन कॉन्जिक्यूटिव कार्बन एटम्स ऑफ द चेन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कार्बो कैटायन या ये बोल सकते हो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल टाइप्स। इवन मैं टाइप्स को यहां से हटा के यहां लिखता हूं टाइप्स। टाइप्स में पहला टाइप है माइनस आई इफेक्ट। इसमें आप बोलोगे ड्यू टू क्या होता है ये न्यूक्लियोफाइल। दूसरा होता है प्लस आई इफेक्ट और ये क्यों होता है ड्यू टू इलेक्ट्रोफाइल। जैसे मान लीजिए कार्बन की चेन है और यहां पे ग्रुप लगा हुआ है मान लीजिए फ्लोरीन। अब फ्लोरीन का नेचर क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो कार्बन का नेचर क्या है इलेक्ट्रो पॉजिटिव। तो ये इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसमें क्या आया डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव। इसे फॉर्मल चार्ज भी कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है और इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। इसको हम कहते हैं पोलराइजेशन। क्या कहते हैं इसको पोलराइजेशन। लेकिन बाकी कार्बनों पे क्या फर्क पड़ेगा उसे इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। एक टग ऑफ वॉर नाम का गेम होता है जिसमें दोनों साइड लोग होते हैं, एक बंदा यहां होता है दूसरा यहां, उसके पीछे कई लोग रस्सी पकड़ के खड़े होते हैं। तो जो सबसे आगे हो रहे होते हैं वो ऐसे खींच रहे होते हैं, वो इधर से और ये इधर से खींच रहा होता है ऐसे, लेकिन उसके पीछे वाले को उतनी एफर्ट नहीं डालने होते। जो सबसे लास्ट में बंदा होता है वो तो एफर्ट डाले या कम डाले तो भी चलता है। इस तरह का इमेजिनेशन यहां पर है कि इस कार्बन से अगले कार्बन पे इतना इफेक्ट नहीं है। तो जब हम इस कार्बन की बात करेंगे तो हम रिलेट तो इसी से करेंगे क्योंकि नेगेटिव से इसका नेचर क्या है पॉजिटिव। तो जब हम इसकी बात करेंगे तो इस पे डेल पे क्या आएगा टू पॉजिटिव, डेल पे क्या आएगा थ्री पॉजिटिव और डेल पे क्या आएगा फोर पॉजिटिव। अब आपको लग रहा है डेल टू पॉजिटिव क्या है, तो डेल पॉजिटिव इंटू डेल पॉजिटिव। अब बेटा ओका मॉड्यूलस, तो मेरे प्यारे बच्चों डेल पॉजिटिव का मतलब है स्मॉल, स्मॉल होता है पॉइंट। मान लीजिए मैं 0.1 प्लस का 0.1, अब मॉडुलस ले रहा हूं तो प्लस से हमें मतलब ही नहीं है, तो हमने क्या बोल दिया 0.1 इंटू 0.1, तो ये कितना आ गया 0.01, फिर ये कितना हो जाएगा 0.001, फिर ये कितना हो जाएगा 0.001 कूलाम। तो आप क्या देख रहे हो कि मेन कार्बन से जैसे जैसे दूर हो रहे हैं इफेक्ट कम हो रहा है, जैसे टग ऑफ वॉर में सबसे लास्ट वाले पे इतना प्रेशर नहीं होता है, ये चीज हम यहां पे इमेजिन करा रहे हैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट हुआ क्या, ऐसा भी एग्जांपल ले सकते हैं कि मान लीजिए आपने किसी से डेब्ट ले लिया, किसी से कर्जा ले लिया और आपकी फैमिली में सब मेहनत करके उसको चुकाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि फैमिली मेंबर है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शेयर कर रहे हैं वो आपके साथ। तो आपके पास मेन कर्जा और आपकी फैमिली वाले थोड़ा थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं तो उनपे भी एक तरीके से इनडायरेक्ट क्या हो गया कर्जा हो गया। तो वही है आपका इंडक्टिव इफेक्ट, समझ रहे हो। तो इसने खींचा तो इसने दिया तो इसने भी दिया उसने भी दिया, तो ये टेम्परेरी क्या हुआ, देखने में तो ऐसा लग रहा है कि ये इफेक्ट बढ़ रहा है लेकिन जब मैग्नीट्यूड ऑफ स्मॉल मल्टीप्लाई होता है, जैसे 1:1 करते तो 1, 2:2 करते तो 4, अब 0.1:0.1 करोगे तो 0.01, 0.2:0.2 करोगे तो 0.02, मतलब पॉइंट चार्जेस अगर मल्टीप्लाई होते हैं तो वो कम हो जाते हैं। ऐसे स्मॉल चार्ज जब ट्रांसफर होता है तो वो और कम हो जाता है और फोर्थ कार्बन पे आके क्या हो जाता है नेग्लिजिबल। अब यहां पे कार्बन की चेन होती और यहां ग्रुप लगा होता मान लो NH4, तो ये डेल पॉजिटिव देना चाहता है तो डेल नेगेटिव डेल टू नेगेटिव डेल थ्री नेगेटिव और डेल फोर नेगेटिव, तो ये कौन सा इफेक्ट है प्लस आई। तो आपको समझना क्या है कि कोई भी डेल हो, यहीं पे लिख देता हूं, डेल फोर पॉजिटिव छोटा होगा डेल थ्री पॉजिटिव से, ये छोटा होगा डेल टू पॉजिटिव से और ये छोटा होगा डेल पॉजिटिव से। ऐसे ही डेल फोर नेगेटिव छोटा होगा मैग्नीट्यूड ऑफ डेल थ्री नेगेटिव से और ये छोटा होगा मैग्नीट्यूड ऑफ डेल टू नेगेटिव
और ये छोटा होगा मैग्नीट्यूड ऑफ डेल नेगेटिव से। बोलो क्लियर है? चलिए फटाफट इसे नोट करिए, बहुत जल्दी, जितनी जल्दी कर सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आखिर इंडक्टिव इफेक्ट किस काम आता है, थोड़ा बहुत पढ़ना जरूरी है क्योंकि छोटे मोटे क्वेश्चन बन सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, पहला प्लस आई इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। And stability of free radicals and inversely proportional to stability of carbo anions plus I effect direct proportional होता है basic strength के और reactivity of base वहीं पे जो माइनस आई इफेक्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन के और इन्वर्सली है स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल एंड यही साथ साथ ही लिख दे रहा हूं मैं कार्बो कैटायन और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके एसिडिक स्ट्रेंथ के। ये काफी क्वेश्चन आते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ के ऊपर तो ये बड़े काम की चीज है। अब माइनस आई का ऑर्डर मैं आपको बताऊंगा, फटाफट इसे नोट करिए फिर हम माइनस आई इफेक्ट की एप्लीकेशन करते हैं। जी बच्चों अब ये जो इंडक्टिव इफेक्ट आप देख रहे हो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाँ एक चीज और लिख लेना कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस आई इफेक्ट जो है वो इसके भी होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उतना इंडक्टिव इफेक्ट उसका क्या होगा ज्यादा। तो सर मतलब आपका क्या है, जैसे मैं आपको दिखाता हूं अब फटाफट देखें आप। जैसे क्वेश्चन आएगा विच इज मोर एसिडिक CH3COOH मतलब एल्डिहाइड या CH3COOH, तो आप देख रहे हो इसमें एक ओ है और इसमें कितने हुए हैं दो, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा तो एसिडिक क्या हो गया ज्यादा, तो हम क्या बोलेंगे इसमें क्या लग रहा है स्ट्रॉन्गर माइनस आई। बोलो ठीक है, ऐसे में बोलू CH3CH3 और यहां बोल दू CH3CCl3 तो ये इससे ज्यादा होगा क्योंकि Cl क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऐसे बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, तो मैं यहां पे एक ऑर्डर बता रहा हूं माइनस आई का ऑर्डर, जरा ऑर्डर देखना NF3 NR3 NH3 NO2 साइनाइड ये है ऑर्डर। इसमें आपको कैसे याद रखना है, जैसे बोल दो ना फाहद ना राहुल ना ऋतिक बोल लो या बोलो हरीश बोल लो, ठीक है ना फाहद ना राहुल ना हरीश ना ओमकार, कौन सूफियाना डांस करता है, फिर कल बाहर आए कोरा ईथर एल्कोहल पीकर आई बहन जी डबल हैरेसमेंट करेंगे। एक काम करते हैं, एक बहुत बढ़िया राइमिंग बनती है ना फरहान ना ऋतिक ना हीरालाल ना ओमपुरी, क्या बोला मैंने ना फरहान ना ऋतिक ना हीरालाल ना ओमपुरी, कौन सूफियाना डांस करता है, फादर कलेक्टर ब्रदर इंस्पेक्टर कोरा ईथर एल्कोहल पीकर आई आई बहन जी, बहन जी को क्या बोला बहन जी डबल हैरेसमेंट करेंगी। दोबारा सुनो ना फरहान ना ऋतिक ना हीरालाल ना ओमपुरी, कौन सूफियाना डांस करता है, फादर कलेक्टर ब्रदर इंस्पेक्टर कोरा ईथर एल्कोहल पीकर आई बहन जी डबल हैरेसमेंट करेंगी। ये क्या है,
ये एक राइमिंग है जिससे आपको बहुत सारे ग्रुप याद हो गए, तो आपको ये वाला जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है कोई भी चीज लगानी नहीं पड़ेगी। तो माइनस आई इफेक्ट मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ, और बेसिक स्ट्रेंथ बोलेगा तो माइनस आई लगा के साइन रिवर्ट कर देना, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लो, और इसके बाद हम इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पढ़ेंगे फटाफट। तो बच्चों ये था इंडक्टिव इफेक्ट और इसका एप्लीकेशन काम आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की। दूसरा इफेक्ट जो हमारे कोर्स में है उसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इट इज टेम्परेरी इफेक्ट विच डील्स विद अटैक ऑफ विच डील्स विद अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल ऑन एल्कीन टू प्रोड्यूस कार्बोकेटायन एंड कार्बो एनायन। टाइप्स ए पार्ट प्लस ई इफेक्ट। प्लस ई इफेक्ट में क्या बोलोगे, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन एल्कीन जनरेट्स कार्बो कैटायन। जैसे कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, अब अटैक करने कौन आ रहा है, HP प्लस, जिसको आप प्रोटियम आयन कहते हैं। और ये किसकी तरह बिहेव करता है, एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह। किसकी तरह बिहेव करता है ये, इलेक्ट्रोफाइल। जब ये इस पे अटैक करता है तो इस पे इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो ये पड़ोसी डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को यूज करता है। इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पे क्या आता है, प्लस। एच पे खुद क्या था, प्लस, और सी पे क्या आया, माइनस। अब धीरे धीरे क्या होगा, सेम आपस में इनकी जो न्यूट्रलिटी है वो बैलेंस हो जाएगी, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, और जो बन गया उसे हम क्या बोलेंगे, कार्बो कैटायन। तो आपको समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रोफाइल के अटैक से एल्कीन का कार्बो कैटायन बनना ही क्या कहलाता है, प्लस ई इफेक्ट। नोट कर लीजिए। तो बच्चों बहुत ही मेहनत से आपने इतना कर लिया है ये मान लेते हैं, और बढ़ते हैं इसके बी पार्ट पे। बी पार्ट, अगर हमने प्लस ई पढ़ लिया तो अगले का नाम क्या होगा, थोड़ा ज्यादा नीचे हो गए, प्लस ई के बाद ये क्या होगा, माइनस ई इफेक्ट। अगर मैं आपसे पूछूं माइनस ई इफेक्ट क्या है, तो आप बोलोगे दिस इफेक्ट डील्स विद अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन डबल बॉन्डेड कार्बन टू जनरेट कार्बो एनायन। अब क्या होता है, जैसे कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, अब अटैक करने कौन आ रहा है, सी एन माइनस, अपना लोन पे लेके उसने किया इस कार्बन पे अटैक। ध्यान से देखना एक बार, इसको समझना, कार्बन पे बेटा अटैक किया, तो अब देखो सी एन माइनस आया और उसने अपने लोन पेयर को किसमें कन्वर्ट किया, बॉन्ड में। बट यहां कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई, 1 2 3 4 5, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, इसलिए एक बॉन्ड तो हमें हटानी पड़ेगी। तो इसीलिए जब इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वो अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे देता है, तो देने के कारण इस पे क्या था, माइनस, इस पे क्या था, प्लस, और इसने लिया तो इस पे माइनस के साथ क्या आया होगा, लोन पेयर। तो फिर एज यूजुअल इसका माइनस गया और इसका क्या गया, प्लस, और जो तैयार हुआ आप देख सकते हो क्या बना बेटा, कार्बो एनायन। अटैक किसका हुआ, सी एन माइनस, कौन है, न्यूक्लियोफाइल। और एक अच्छी बात है कि इट इज यूज्ड ओनली फॉर क्वेश्चंस, डायरेक्ट डेफिनेशन, डायरेक्ट
डेफिनेशंस नो रोल इन स्टेबिलिटी कंपैरिजंस। ठीक है, नोट करिए। आगे एक नया टॉपिक आ रहा है, थर्ड पार्ट, जिसको हम क्या कहते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन। दिस एक्सप्लेन्स स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड नो बॉन्ड रेजोनेंस। इट इज ट्रांसफर ऑफ सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स इंटू वैकेंट पी ऑर्बिटल ऑफ कार्बो कैटायन टू कन्वर्ट इंटू स्टेबल एल्कीन। जरा एक मिनट के लिए देखना, एग्जाम्पल के लिए हमने लिया इथाइल कैटायन। क्या लिया? इथाइल कैटायन CH3CH2+। अब मैं देखना चाहता हूँ इथाइल कैटायन स्टेबल है, तो भाई देखो जब भी किसी पे चार्ज होगा वो स्टेबल तो हो ही नहीं सकता। अब मैंने यहाँ लिखा CH3, यहाँ CH2 और यहाँ क्या चार्ज है, प्लस। तो बेटा ये क्या होगा कि ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है ये वाला, ये जा करके कहाँ ट्रांसफर होगा, इसके वैकेंट पी में, क्योंकि प्लस का मतलब है कि इसका एक पी ऑर्बिटल क्या है, वैकेंट। तो जैसे ही ये ट्रांसफर होगा आप क्या नोटिस करोगे कि CHHH जब इसको इलेक्ट्रॉन मिला तो ये सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगी, डबल। फिर देने पे इस पे क्या आया, प्लस। इसको मैं और डिटेल में बताना चाहूँ तो एक बारी मैं आपको यहाँ समझाना चाहूँगा कि जैसे कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ CH2 और यहाँ प्लस है, प्लस का मतलब इसका ऑर्बिटल क्या है, खाली। तो H इसको इलेक्ट्रॉन देगा, वो इसको इलेक्ट्रॉन देगा। तो जब H देगा तो H क्या बन गया, H+। ये कार्बन लेगा तो इसमें क्या आ गया, माइनस। लेकिन इसने इसको ट्रांसफर दे तो ये न्यूट्रल हो गया। तो यहाँ पर जब इसको मिला तो उसने इस इलेक्ट्रॉन को सिंगल बॉन्ड को क्या बना दिया, डबल। वही मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। मतलब रियल में मैं दिखाता हूँ हम ऐसे रहे हैं कि सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इसके वैकेंट पी में जा रहा है, बट इसका एक रास्ता है कि एच पहले सी को देगा, सी फिर दूसरे सी को देगा, तब वो सिंगल बॉन्ड को क्या बनाएंगे, डबल। बट आपको एग्जाम में ऐसे शो करना है। ये चीज मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, ये आपके पर्सनल मैटर था समझना। अब एक बात और है कि यहां से गायब हुआ तो यहाँ पे ऐसे दिखाओगे और उस पर क्या दिखाओगे, प्लस। दो बॉन्ड गायब हो गई, ऐसा यहां भी हो सकता है और ऐसा यहां भी हो सकता है। तो इसकी दूसरी कंडीशन क्या है बेटा कि CH+HH डबल बॉन्ड CH2, और तीसरी कंडीशन क्या है कि CHHH+ डबल बॉन्ड ये। तो ये देख रहे हो मैंने हाइपर कॉन्जुगेशन को तीन वे में दिखाया। तो जब एक मॉलिक्यूल के एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बनते हैं तो उन्हें रेजोनेटिंग कहते हैं, और उसमें बॉन्ड गायब होना रीजन हो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस। तो ये इतना ही एक नंबर में पूछा जाता है, दो नंबर में पूछा जाता है, फटाफट नोट कर लीजिए। कहेगा हाइपर कॉन्जुगेशन की क्या एप्लीकेशन है, तो बोलोगे इट एक्सप्लेन्स स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। व्हाट इज द यूज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, तो ये कार्बोकैटायन को किस में कन्वर्ट करता है, एल्कीन में। व्हाट इज हाइपर कॉन्जुगेशन, तो ट्रांसफर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इनटू वैकेंट पी ऑर्बिटल ऑफ कार्बोकैटायन। करता क्या है ये, नो बॉन्ड रेजोनेंस। फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं फटाफट। देखिए अगला और सबसे लास्ट टॉपिक रेजोनेंस, थोड़ा सा एक चेंज कर लीजिए। ये हमारा 3 नंबर नहीं था, ये हमारा 4 नंबर था बेटा, 4 नंबर। अब हम 5th पे आ रहे हैं इफेक्ट पे। क्या नाम है इसका, 5th नंबर का, रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट का मतलब क्या है, इट इज ऑल्सो नोन एज कॉन्जुगेशन। It deals with
ट्रांसफर ऑफ लोन पेयर, या तो पाई बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड या तो लोन पेयर बनेगा, लोन पेयर या तो लोन पेयर बनेगा, या लोन पेयर किस में कन्वर्ट होगा, पाई बॉन्ड में। तो ये चार कन्वर्जन इसमें होते हैं। टाइप दो हैं, एक प्लस आर इफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, कौन कौन से होते हैं वो आर, आर का एग्जांपल क्या हो गया CH3, क्लोरीन, ब्रोमीन, OH, एल्कोहल, OR, ठीक है, इसके अलावा NH2 और इसके टाइप। तो ये हो गए प्लस आर इफेक्ट, और एक होता है माइनस आर इफेक्ट, जिसमें हम बोलेंगे ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जिसमें क्या आएगा NO2, SO3H, CHO, COR, COOH, COOR, NH4+, और एक COOR मतलब एस्टर। ये सारे ग्रुप क्या करते हैं माइनस आर, और वो क्या करते हैं प्लस आर, एक ही जगह मैंने आपको सारा कंपाइल कर दिया। इसे नोट करिए, फिर मैं प्लस आर और माइनस आर को एक एग्जांपल से फटाफट समझा देता हूं आपको। इसी एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे और इस इफेक्ट का नाम लिखेंगे प्लस आर इफेक्ट। प्लस आर इफेक्ट में एग्जाम्पल ले रहे हैं, मान लीजिए क्लोरोबेंजीन। अच्छा एक बात और बतानी थी, पिछले वाले में थोड़ा सा चेंज करें, ये मैंने सेम चीज लिख दी थी बेटा, यहां आना था पाई बॉन्ड इनटू पाई बॉन्ड, ठीक है, लोन पेयर पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड लोन पेयर, लोन पेयर लोन पेयर, पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, ठीक है। अभी कैसे है वो मैं भी कराता हूं आपको। लो वापस आते हैं प्लस आर इफेक्ट। प्लस आर इफेक्ट में मान लीजिए मैंने यहां पे क्लोरीन ले लिया, और क्लोरीन पे पता है ना आपका क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, 2, 8, 7, एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में लगा तो 6 बच गए, 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे लगाने का मतलब 3 लोन पेयर। ये मैंने स्ट्रक्चर बना दिया क्लोरोबेंजीन का। अब मुझे इसमें प्लस आर इफेक्ट समझाना है, तो शुरुआत में कहां से करूंगा कि सबसे पहले हम इसके इस लोन पेयर को किस में कन्वर्ट करेंगे, पाई बॉन्ड में। तो तुरंत अगला पाई बॉन्ड किस में कन्वर्ट होगा, लोन पेयर में। देखना बहुत ही थोड़ा इंटरेस्टिंग है ये, डबल एरो आएगा। अब क्लोरीन ने क्या किया, 4 इलेक्ट्रॉन बचे और क्या चार्ज आया, प्लस का। उसने लोन पेयर को पाई बॉन्ड बनाया तो सिंगल बॉन्ड डबल हो गया, इसने पाई बॉन्ड को लोन पेयर बनाया तो माइनस के साथ क्या आ गया, लोन पेयर, बाकी सब एज इट इज। अगले स्टेप में क्या होगा, लोन पेयर क्या बनेगा, पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड क्या बन जाएगा, लोन पेयर। तो अब क्या हो गया, यहां क्लोरीन क्या आ गया, प्लस, यहां माइनस के साथ लोन पेयर, और लोन पेयर यहां क्या बन गया, पाई बॉन्ड। बहुत सिंपल है, लोन पेयर पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड लोन पेयर, फिर लोन पेयर पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड क्या बन गया, लोन पेयर। अब देखते चलना अगले स्टेप में क्या होगा। तो बेटा अगले स्टेप में फिर लोन पेयर पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड क्या बन जाएगा, लोन पेयर। ये पेपर में बनाने को आएगा इसलिए ध्यान से देखना, ये पहला स्टेप था, ये सेकंड, ये थर्ड। अब मैं फोर्थ स्टेप यहां पे लिख रहा हूं, फोर्थ स्टेप में क्या हुआ, लोन पेयर क्या बन गया, पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड क्या बन गया, लोन पेयर। यही हुआ ना, लोन पेयर पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड क्या बन गया, लोन पेयर, बाकी एज इट इज है, ठीक है। अब अगले स्टेप में खुद ही गेस करो क्या होगा, लोन पेयर दोबारा पाई बॉन्ड, और ये पाई बॉन्ड दोबारा क्या बनेगा, लोन पेयर। अब आप नोटिस करिए क्या हुआ लास्ट में, ये फोर्थ स्टेप है। अब फिफ्थ में देखिए क्या हो गया, ये क्लोरीन आया, ये ऐसे और ये ऐसे। अब आप फिफ्थ को और फर्स्ट को ध्यान से देखो, तो फर्स्ट में जहां खाली है वहां बॉन्ड है, इसमें जहां बॉन्ड है वहां क्या है, खाली। तो रियल में 1 और 5 ही रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर का मतलब होता है सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट बॉन्ड पोजीशन, डबल बॉन्ड पोजीशन। बाकी ये बीच ये स्टेप क्या है, रेजोनेंस स्टेप। इन स्टेप का यूज हमारा 12th में है कि माइनस साइन, जब इस पोजीशन को ऑर्थो कहते हैं, इसको पैरा, और इसको भी क्या कहते हैं, ऑर्थो। मेटा ये वाली होती है, इस पे कोई इफेक्ट नहीं है, समझ में आया। तो ये ऑर्थो और पैरा नेगेटिव होने के कारण इलेक्ट्रोफाइल यहां पे अटैक करता है। क्यों करता है, कैसे करता है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन क्या होती है, वो सब 12th में है। फिलहाल आपको बस इतना पता होना चाहिए प्लस आर इफेक्ट ऐसे आएगा, क्लोरो आया तो क्लोरो, अगर यहाँ पे और ग्रुप आया जैसे CH3 तो सारा कुछ सेम है, बस यहाँ ग्रुप बदल देना। जैसे अगर टोलिन बोलता तो बेंजीन पे CH3 होता, यहाँ CH3 लगा देते, ठीक है। फिनॉल बोलता तो बेंजीन पे यहाँ OH लगा देते, सब कुछ सेम दिखा देना है। तो एक याद करो, बाकी सब में अप्लाई कर देना। इसे नोट करो, फिर अगला करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों,
आगे बढ़ते हैं और फटाफट करते हैं माइनस आर इफेक्ट। मैं समझ सकता हूँ आपने काफ़ी हिम्मत जोड़ के काफ़ी एफर्ट्स लगाए हैं। ये माइनस आर इफेक्ट देख लीजिए, माइनस आर इफेक्ट कुछ इस तरह से है। मैं मान लीजिए बेंजल्डिहाइड का करा देता हूँ, सी ओ चार इलेक्ट्रॉन और यहाँ होता है H और ये डबल बॉन्ड। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखें। सबसे पहले इसमें होता क्या है, इसमें बेटा ऑक्सीजन और कार्बन में ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये पाई इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। अब कार्बन इलेक्ट्रॉन जब दे देता है तो ये किससे मांगता है, पड़ोसी कार्बन से, और पड़ोसी कार्बन कहाँ से ला के देता है, अपने पाई इलेक्ट्रॉन से। तो इसमें दो नहीं तीन मूवमेंट होते हैं, जिस कारण से क्या होता है, ध्यान से देखना, ये सी है, इस ओ ने इलेक्ट्रॉन लिए तो अब चार की जगह छः हो जाएंगे, या आप ऐसे भी शो कर सकते थे माइनस के साथ लोन पेयर, ठीक है। यहां पे कार्बन ने इधर दिया इधर लिया तो ये तो बराबर है, यहां इस पे क्या आएगा प्लस, और इसने सिंगल बॉन्ड को क्या कर लिया डबल। देखो यही तो हुआ है, ध्यान से देखो, इसने इससे इलेक्ट्रॉन लिया तो इस पे माइनस आ गया तो चार की जगह कितने हो गए छः, फिर कार्बन पे क्या आया प्लस, लेकिन इसने जब पड़ोसी से लिया तो ये न्यूट्रल हो गया, और जो इलेक्ट्रॉन उसने लिया उसने सिंगल बॉन्ड को क्या किया डबल। तो पाई इलेक्ट्रॉन पाई किस में कन्वर्ट हो, देखो पाई में, पाई इंटू पाई वाला कॉन्सेप्ट है, ये पाई इस पाई में कन्वर्ट हो गया और यहां पाई किस में कन्वर्ट हुआ लोन पेयर में। चलो अब आगे की कहानी देखो, आगे क्या होगा, ये इससे मांगेगा और ये अपने इलेक्ट्रॉन ऐसे देगा, ठीक है, मतलब पाई बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो रहा है, पाई बॉन्ड में। देखते हैं कैसे, यहां पर मैं ऊपर वाला तो एज इट इज बना दूंगा, सी ओ माइनस के साथ लोन पेयर, बाकी चार इलेक्ट्रॉन, यहां एच, यहां पे ऐसे ही इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो यहां प्लस, और इसका पाई बॉन्ड इस पाई बॉन्ड में शिफ्ट हो गया। आगे बताइए क्या होगा, तो वही ये इससे इलेक्ट्रॉन मांगेगा और ये अंदर से लाके इसे देगा। तो फिर जब दो बारी मूवमेंट हुई बेटा, तो आप देख सकते हो ये स्टेप वन था, ये स्टेप टू था, ये स्टेप थ्री था, स्टेप फोर में क्या हो गया, सी ओ एज इट इज नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एच, यहाँ पे क्या आ गया प्लस, ये पाई इलेक्ट्रॉन इस पाई इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। अब एक बारी फिर क्या होगा कि ये इससे इलेक्ट्रॉन देगा, ये इससे देगा और ये इससे वापस ले लेगा, तो वही तीन मूवमेंट दोबारा हो गए, कौन से स्टेप में, फोर्थ स्टेप में। तो फोर्थ स्टेप के बाद ये फिफ्थ स्टेप जब आएगा तो दोबारा देखिए, ये कार्बन ऑक्सीजन में दोबारा क्या बन गया डबल बॉन्ड, ये एच, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन दोबारा पाई इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हुआ। फिफ्थ स्टेप को और फर्स्ट को ध्यान से देखो, तो यहाँ खाली है तो वहाँ बॉन्ड है, जहाँ बॉन्ड है वहाँ खाली है, तो इस तरह से ये तैयार हो गया रेजोनेंस फॉर्म। क्या तैयार हो गया, रेजोनेंस फॉर्म। हमारा जीओसी चैप्टर कंप्लीट हुआ, इसमें प्यूरिफिकेशन वाला टॉपिक हम बाद में डिस्कस करेंगे, वैसे वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम सीधे हाइड्रोकार्बन पे अटैक करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।